दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वो सीएम दफ्तर में पहले से रखी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी, बल्कि उसके बगल में उन्होंने दूसरी सफेद रंग की कुर्सी रखी और उसी पर बैठी और कहा कि केजरीवाल के लिए ये कुर्सी खाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठा करते थे वो उस कुर्सी में नहीं बैठी, बल्कि उसके बगल में एक दूसरी नई कुर्सी लगाई गई जिसमें उन्होंने वो बैठी और अपना कार्यभार संभाला। तो पहले ही आतिशी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के दोबारा सीएम इलेक्ट हो जाने तक ही वो बस ये एक पदभार संभाल रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के वर्कर्स को भी कहा था कि कोई उन्हें बधाई ना दे, कोई उन्हें गुलदस्ता ना भेंट करे, क्योंकि वो सिर्फ दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो प्रयास किए जाने हैं उन्हीं प्रयासों के हिस्से के तहत ये मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में, चार महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। इसी के साथ